ओके सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिंजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो आप वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, इस वीडियो में जो है गाइस, मैं थोड़ा सा स्नैपशीट का भी यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस, आप सभी को थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना, बाकी मैं वीडियो में समझाई दूँगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले जो है आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया, इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड इसको उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाकर आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड इसको फुल इसका साइज करके, या फिर आपको मतलब कि जैसे आपको अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है उस टाइप से ऐड कर लेना। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अभी पिक्सआर्ट में आपको सिंपली यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम डन कर देंगे, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फोटो को सिंपली कर लेना सेव। कुछ भी नहीं छेड़ना है, आप बस फोटो को सेव कर लेना है। यहाँ से चलना है बैक। एंड यहाँ पे आप सभी को अपने स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। स्नैपसीड को ओपन करने के बाद जो है आप सभी करना है प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको यहाँ पे जो हमने पिक्सआर्ट में फोटो सेव किया था उसको ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके आप सबको सबसे स्टार्टिंग से फर्स्ट ऑप्शन है जो इस वाले ऑप्शन को ले लेना है। एंड उसके बाद आप सबको करना है इसके ऊपर प्रेस करना है। एंड जिसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आप सभी का कॉन्ट्रास्ट है इसको आगे की तरह बढ़ा देना है। एंड जो गाइस, इसका सैचुरेशन है इसको बिल्कुल माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, जो इसका ये वाला ऑप्शन है थर्ड वाला, इसके बाद आप सभी को इसको भी थोड़ा माइनस की तरफ कर देना है। एंड जो हाईलाइट है इसको भी आप सभी को थोड़ा माइनस की तरफ रख देना है, ठीक है, अराउंड कुछ 34-36 तक। एंड उसके बाद गाइस, इस वाले ऑप्शन को सबसे लास्ट वाले को इसको आपको 20 माइनस कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को अभी इस वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को इसका इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप सभी को इसको इस वाले ऑप्शन से क्लिक करके, एंड उसके बाद आप सभी फिर क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा आपको मतलब फेस से पूरा जो मतलब फेस और हैंड है इसके ऊपर से आपको इरेज कर लेना कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आप सभी को इरेज कर लेना है। एंड फिर इसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना, मैं आपसे बताता हूँ। पहले मैं ऐसे हैंड से भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हैंड से हमने इरेज कर लिया। एंड इसके बाद आप डन कर देंगे। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को विग्नेट वाला ऑप्शन में जाना है। एंड इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो 12 है इसको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को इसको ऐसे प्रेस करना है। एंड उसके बाद जिसका स्टाइल स्ट्रेंथ है इसको आप सभी को आगे की तरफ बढ़ाना है थोड़ा सा। एंड उसके बाद गाइस, जो विग्नेट है इसको आप सभी को आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। विग्नेट को थोड़ा कुछ अराउंड 28 प्लस तक रख देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को वापस इस ऑप्शन में जाना है। एंड व्यू एडिट्स में जाना है। एंड विग्नेट वाला ऑप्शन क्लिक करके पेंसिल आइकन पर जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से थोड़ा सा इस पर क्लिक करके यहाँ से आप सभी को माइनस कर देना है इसको। एंड यहाँ से फेस से जीरो कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को नीचे से भी थोड़ा इरेज कर लेना है। एंड यहाँ पर डन कर देना है। इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पर जो है ये तो काम हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप इस फोटो को यहाँ पर सिंपली सेव कर लेना है। एंड जो गाइस बाकी का काम है वो हम करेंगे लाइटरूम ऐप के पिक्सआर्ट के अंदर और लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो पिक्सआर्ट ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे हम अपनी जो लाइटरूम वाली फोटो है स्नैपशीट वाली फोटो उसको हम ओपन कर लेंगे। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। एंड वो गाइस, रेन का जो PNG था उसको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम दोबारा से ऐड फोटो में चलते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे एंड इस पर क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ से हम इसको जो रेन वाला कॉन्सेप्ट था इसको ले लेंगे PNG। एंड उसके बाद हम इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे नीचे से, ठीक है। तो आप भी कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से जाना है नीचे ब्लेंडिंग मोड में, इसको स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देना है। ऑटोमेटिकली आपके जो फोटो में यहाँ पर ऐड हो जाएगा कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को थोड़ा सा जो फेस पे एरिया रहा हल्का हल्का इरेज कर लेना है, ठीक है, हार्डनेस और ओपेसिटी को कम करके। एंड बाकी तो काफ़ी अमेजिंग फोटो लगेगी यहाँ पे हमारी, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है हमारी फोटो में। तो अभी गाइस, हमारा काम खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको यहाँ पे सिंपली कर देना डन। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको इसमें थोड़ा सा फेस पे अगर आप डार्कनेस डालना चाहते हो तो गाइस आप डाल भी सकते हो। बाकी देखिए गाइस, कैसे डालना वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ओपेसिटी को एकदम कम कर देना है। एंड इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है। एंड उसके बाद आपको ब्रश के साइज को और ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फोटो को अपनी कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है। एंड एक साइड में आप सभी को कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है, जैसे कि मतलब कि कुछ शेडो पड़ रही है, ठीक है, सामने से। तो कुछ इस टाइप से कर लेंगे हम। एंड जो है इसका एक्सपोजर हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारे देखिए गाइस पूरा एडजस्ट कर लिया। अब आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अभी इसमें जाना है वापस से, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाना है। फिर एडजस्ट में जाने के बाद आपको उसको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, मतलब थोड़ा डाउन कर देना कॉन्ट्रास्ट। एंड सैचुरेशन जो है उसको आपको थोड़ा प्लस में कर देना है। एंड उसके बाद जिसका हाईलाइट है इसको आपको थोड़ा प्लस माइनस में कर देना है, ठीक है। एंड उसका जो शेडो है इसको आप सभी को थोड़ा सा बढ़ा देना ऊपर की तरफ। एंड उसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं, यहाँ पे आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है। एंड उसके बाद थोड़ी सी इसमें कलर ग्रेडिंग करनी जो कि करते हैं लाइटर मैप के अंदर, तो उसको हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। एंड सिंपली चलेंगे बैक। एंड आप अपने लाइटर मैप को ओपन कर लेंगे, तो इस लाइटर मैप को आप ओपन कर लेंगे। एंड गाइस, जब तक हमारा लाइटर मैप ओपन हो रहा है, और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना,
क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाना भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यार वीडियो एक लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलेगा सब, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर यहाँ पर जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है तो हम इस लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को आगे की तरफ बढ़ा देना है, हाईलाइट को थोड़ा कम आगे की तरफ बढ़ा देना है, जो शेडो है इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना है, एंड वाइट है इसको कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको आपको हल्का सा कम कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर चाहो तो माइनस कर देना, बाकी इसके बाद जाना मिक्स में सैचुरेशन को माइनस कर देना ऑरेंज कलर के, एंड जो ह्यू है इसको भी आप सब थोड़ा माइनस में कर सकते हो। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसका और मतलब फेस को चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, आप फेस को ब्राउन टोन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ से ल्यूमिनस को छेड़ के आप कर लेना। ठीक है, इसका जाना येलो कलर में इसके ह्यू को माइनस कर देना है और सैचुरेशन को भी माइनस, एंड जो ब्लू कलर है सैचुरेशन को माइनस, एंड उसका जाना आपको इस वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आपको आगे तरफ बढ़ा देनी है, फोटो में विग्नेट डाल देना थोड़ा सा। ठीक है, एंड उसके बाद आपसे फिर क्या करना, आपको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद नीचे वाले टूल में फोटो जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो नोड डायरेक्शन आपको इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोड डायरेक्शन है इसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गाइस हमारी पूरी फोटो एकदम परफेक्टली एडिट हो चुकी है, हमारी फोटो जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना चाहिए। तो बाकी गाइस आप सबके लिए एंड स्क्रीन में मैंने ये दो वीडियो लगा रखी है, इन दोनों में यार मैंने काफ़ी मेहनत से दो वीडियो बनाई है, एंड मेरे चैनल के व्यूवर्स को काफ़ी अच्छी भी लगी है। अगर आप इन दोनों का थंबनेल पहली बार देखो तो प्लीज़ किसी एक वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को देखो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।